तो देखिए, आपके मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन है, 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो स्पेस आपका मिलेगा वहाँ पर आपको एक लाइन खींचनी है। और देखो, 5/4 प्लस में है ना, तो यहाँ लिखना शुरू करो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आप इसमें लिख दो। और देखिए, 5/4 है तो जो नंबर लिखा हुआ है उनके सकते नीचे 4/4 लिख दो, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 हो गया। अब देखिए 5/4 कहाँ पर है, 5/4 ये रहा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x/5 3x/5, 2x/5 और x/5 को हल करो। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, बटे में अगर संख्या आती है, बीच में प्लस या माइनस आता है, तो आपको पहले स्टेप क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे आप लिखिए हल और इन सब का एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, देखो यहाँ पर 5, 5, 5 है तो एलसीएम आ जाएगा 5, और सारी संख्या जो ऊपर लिखी हुई है वो एज इट इज आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो सब जगह एलसीएम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ऊपर वाली संख्या आराम से उतार लो। वरना इसको करने का तरीका ये होता है, 5 के बारे में 5 कितनी बार आया, 1 बार, और ऊपर कितना लिखा है 3x। 5 के बारे में 5 कितनी बार आया, 1 बार इंटू 2x, और 5 के बारे में 5 कितनी बार आया, 1 बार 1 इंटू x। पहले भाग देना है और फिर उसका जो गुणा करना है, तो पहले हो जाएगा आपका 3x + 2x + x/5। तो जोड़ लो 3 और 2 5 और 1 6, 6x/5 6x/5 या 6x/5 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा है, इसमें पूछा है आपको कि बहिष्कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ सरल सा एक लाइन लिखिए यहाँ पे, जो एक सीधी रेखा होती है ना, तो BE एक सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा पर बनने वाले इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो आप लिखिए रैखिक युग्म से, आप शॉर्ट में लिख दीजिए रैखिक युग्म से। होता क्या है कि एक जो सीधी रेखा होती है ना, ये सीधी रेखा दिख रही है आपको, और इसको यहाँ से दो हिस्सों में बांट दिया है, तो एक ये एंगल बन गया और एक ये एंगल बन गया। इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। सम मतलब योग है ना, तो x + 90 = 180। अब आपको x का मान निकालना है, तो 180 में से 90 माइनस कर दो तो कितना उत्तर आ गया, 90। बहुत सरल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न में लिखा है संख्या 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7 ये बड़ी संख्या है, इसको इकाई में करके अपन पढ़ सकते हैं, पर उसका मतलब नहीं है। करना क्या है कि ये पूरा नंबर 9 से विभाजित होगा या नहीं होगा आपको चेक करना है। ठीक है, तो आपको हाय और ना नहीं लिखना है, इसमें करके दिखाना है कि होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बहुत सरल तरीका बताता हूँ 9 से विभाजित होगा या नहीं होगा। इसके लिए सिंपल काम ये है कि आप इन सारे अंकों को जोड़ लो। तो यहाँ पे हल लिखो और 2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 7 = कितना होता है, जोड़ लो। तो जोड़ो आप सब फटाफट, तो इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 36। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो 36 आया है क्या 9 के टेबल में आता है, 9 के पाड़े में आता है? अगर आता है तो आप कह दीजिए हाँ ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हमको पता है 9 के पाड़े में 36 आता है, तो हम लिख देंगे हाँ यह संख्या 9 से विभाजित होगी, है ना, इतना सा आपको लिखना है। 9 का विभाज्यता का नियम और 3 का विभाज्यता का नियम सेम है। अगर 3 के लिए पूछे तो भी आपको संख्या के जो अंक हैं उनको जोड़ना है, और 9 के लिए भी संख्या के अंकों को जोड़ना है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है a × a = a और b इस तरह का, तो आपको a और b का मान रखना है। आपके मॉडल पेपर में यह प्लस लगा रखा है, उससे हो नहीं रहा है संभव, तो वहाँ पे गुणे का निशान होगा। तो अब देखिए एक नंबर बताइए, उसका औचित्य गुणा करने पर वही नंबर आ जाए। तो हम इसको सोचते हैं, एक का एक से गुणा करेंगे एक आ जाएगा, है ना, एक इंटू एक, एक तो आ जाएगा, पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं चलेगा काम, तो एक कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 × 2 सोचिए कितना आया, 4। हमको 2 और 2 का गुणा करके 2 ही चाहिए। अब आप नंबर सोचिए ऐसा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 × 4 = 16। अब 5 × 5 करते हैं, 5 × 5 कितना हो गया, 25। वेरी गुड, तो 5 × 5 क्या थे, 5 आ गया। तो मैं लिखते हैं 5 × 5
पाँच से पाँच का गुणा किया, पाँच आ गया, और बी की जगह उसकी हासिल आ जाएगी दो। तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो आप लिख देना ए बराबर तो पाँच आ गया सर, और बी बराबर दो आ गया। तो ये आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से पढ़ रहा होगा आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइव इंटू फाइव, और फाइव इंटू फाइव कितना हो गया, 25, कैरी आ गया 2। ठीक है, देखो इस समीकरण को आपको सोल्व करना है, और सोल्व करके आपको इसका चेक भी करना है कि राइट एयर होंगे। तो हम इसको सोल्व करेंगे, लिख दिया समीकरण। अब होता क्या है कि जो एक्स एक्स वाले होते हैं उनको एक तरफ बुलाना है, इधर आपका 3x है, ये 2x इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, 3x माइनस 2x, तीन में से दो गए तो एक बचा, उत्तर कितना आ गया 18। अब हम इसकी जाँच करेंगे, जाँच करने के लिए ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो इसको तो बोलते हैं हम LHS, LHS कितना है 3x, तो 3 की जगह 3, x की जगह मान कितना प्राप्त हुआ 18, तो गुणा करो 18 का मिटाया 18 36 हटा दिया 54 है, यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, 18 दिया 54, एक मिनट है ना। देखिए तो LHS हमने यहाँ लिख दिया 3x, ये रहा LHS आपका, 3 की जगह 3, x की जगह 18 लिख दिया, क्या आंसर आ गया 54। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया, 54 आ गया। अब RHS चेक करते हैं, RHS क्या है, 2x प्लस 18, क्या लिखा आपने 2x प्लस 18, 2 इंटू एक्स, एक्स का मन कितना है 18, तो 18 दोनों 36, और यहाँ पे 18 जुड़ा हुआ है, 36 और 18 जोड़ लिया कितना हो गया 54, 54। तो ये भी आपका आंसर क्लियर हो गया। तो क्लियर कैसे हुआ, तो यहाँ भी 54 आ गया, ये भी 54 आ गया, ये दोनों बराबर हो गए, तो आपका बिल्कुल आंसर राइट है, कोई टेंशन नहीं है।